टेंथ ट्वेल्थ में हमेशा की अच्छे से पढ़ो, अभी भी कहा था कि बस पढ़ाई करते रहो बाकी हम पे छोड़ दो। एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा, सबका सपना होता है ये, एंड मेरा भी सपना था। एंड बहुत खुशी हो रही है मुझे कि महिलाएं हर जगह टॉप पे हैं। मैं 8 घंटे से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी बेटियों को वो मौका दें, और अगर लगता है कि गलतियां सुधार सकते हैं तो फिर प्लीज एक और अटेम्प्ट दीजिए, और अपने बेसिक बुक्स का रिवाइज करने का एक टाइम टेबल बनाएं। कि इशिता सोशल मीडिया चलाती है? हाँ चलाती थी, लेकिन मैंने अर्नस्ट एंड यंग में 2 साल नौकरी की थी, फिर मैंने सोचा कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए, तब मैंने सोचा। आप ये देख रहे हैं तो प्लीज उन फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करने में मेरी मदद करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्या है कि स्पेशल सीरीज में। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के साथ में बैठे हैं ये अपने आप में जानी पहचानी है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम आज इशिता किशोर के पास बैठे हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने हासिल किया है। इशिता जी सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। इशिता जी सबसे पहले जब आपको पता चला कि आप फर्स्ट पोजिशन पे हैं तो क्या रिएक्शन था पहला? एक्साइटमेंट थी बहुत ज़्यादा, सबका सपना होता है ये, एंड मेरा भी सपना था, एंड बिल्कुल सातवें आसमान पर थी मैं। चलिए तो अच्छा, सब लोग अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा कि फैमिली में कौन कौन है, अभी तक किसी ने शायद नहीं पूछा। नहीं, काफ़ी लोग पूछ ही रहे हैं। मेरा भाई है, वो एक लॉयर है, मेरी मदर है, एंड मेरे फादर एयरफोर्स में थे। ओके, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके पूरे एजुकेशन के दौरान? बहुत सपोर्ट रहा है, जितना फोकस किया एजुकेशन पे, हमेशा पुश किया कि टेंथ ट्वेल्थ में हमेशा कि अच्छे से पढ़ो, अभी भी कहा था कि बस पढ़ाई करते रहो बाकी हम पे छोड़ दो, तो फैमिली का बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है। आपने जॉब भी किया था? हाँ, मैंने अर्नस्ट एंड यंग में 2 साल नौकरी की थी, फिर मैंने सोचा कि मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए, तब मैंने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया। जॉब छोड़ के स्विच करना पढ़ाई की तरफ, ये वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो क्या मुश्किलें आई और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? हाँ, वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन होता है जो कि कॉलेज के बाद छूट जाता है, क्योंकि हम फिर जॉब कर रहे होते हैं, पर वक्त लगा थोड़ा सा रूटीन बनाने में, बुक्स में पूरा दिन बिताने में, पर धीरे धीरे हो गया। डेली रूटीन क्या था? मैं 8 घंटे से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी, तो एट अ टाइम मैं 2 घंटे पढ़ के फिर ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटे पढ़े, तो मैं ब्रेक्स बीच में अच्छे से स्पेस आउट कर लेती थी। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान आपने काफी सारे मॉक्स भी दिए हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको जो आया जो कि आपके इंटरव्यू में आपको मदद किया, जिसने क्वेश्चन ने आपको मतलब मॉक्स का ये आइडिया ये होता है कि वो आपको एक फ्लो में रखते हैं कि आप क्वेश्चन आंसर करते रहें, वो एक बातचीत का माहौल बना रहे कि कोई आपसे पूछ रहा है और आप बता पाए, तो उस चीज़ में बहुत हेल्प हुई। एंड मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत लेट था, तो उस माहौल में अपने आप को कंफर्टेबल करने में बहुत आसान हुआ। आपने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी होप को लूज़ कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है और क्या मैसेज आप ऐसे एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं? मेरा भी 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, तो होपलेस थोड़ा फील होता है तब कि हम क्या करें, एंड थोड़ा सेल्फ डाउट भी होता है, लेकिन ठीक है, उससे उभर भी जाना चाहिए। डर लगता है, बुरा भी लगता है, बट फिर देखिए कि स्टैमिना है एक और अटेम्प्ट का, और अगर लगता है कि गलतियां सुधार सकते हैं तो फिर प्लीज एक और अटेम्प्ट दीजिए। अच्छा, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो काफी ब्रॉड होता है और डे टू डे अपडेट होता रहता है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसको कैसे लेना चाहिए और कैसे आपने कैसे तैयारी की इन सब की? करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस पे करते रहिए, न्यूज़पेपर हम पढ़ते ही हैं रोज, उसके साथ साथ कोई भी एक वेबसाइट फॉलो कर लें, और अपने बेसिक बुक्स का रिवाइज करने का एक टाइम टेबल बनाएं कि हाँ इस हफ्ते में ये 2-3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो वो आप करते रहें। क्या इशिता सोशल मीडिया चलाती है? हाँ चलाती थी, लेकिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है कभी ना कभी, तो उसको लिमिट भी किया, लेकिन सोशल मीडिया बहुत जरूरी है सबसे कनेक्टेड रहने में। एंड ये भी कहना चाहूंगी कि आज बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए हैं, तो अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज उन फेक अकाउंट्स को रिपोर्ट करने में मेरी मदद करें। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लीगल एक्शन विल बी टेकन, अगर आप मेरे नाम पे कोई भी फेक अकाउंट चलाएंगे तो प्लीज आप उसे आज ही बंद कर दें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी देखा गया कि यूपी पीसीएस जो हुआ था उसमें भी टॉप 10 में 8 गर्ल्स थी, और इस बार भी 6 गर्ल्स हैं टॉप 10 के अंदर, तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे आप देखते हो और आप क्या गर्ल्स को मैसेज देना चाहते हो? आई थिंक ये तो हमारे सामने ही इतिहास रचा जा रहा है, इतनी लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं, इससे बेहतर कोई खबर नहीं है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि महिलाएं हर जगह टॉप पे हैं,
एंड बिल्कुल ये एक नया दौर है हमारे देश में जहाँ लड़कियों को मौका दिया जा रहा है. मुझे मेरी फैमिली ने वो मौका दिया तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी बेटियों को वो मौका दें. और बेटियों को कहूंगी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखें, वो इनसिक्योरिटी में ना जिए, अपने बारे में भी सोचें, सिर्फ दूसरों के बारे में ना सोचें, तो मेहनत करते रहें. अच्छा, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, क्या उसका कुछ बेनिफिट मिला आपको? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स हमें बहुत चीजें लाइफ के बारे में सिखा देता है, उतार चढ़ाव, हार जीत चलते रहती है, तो स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है. थैंक यू वेरी मच.